ये हमारे साथ क्या हो रहा है? कभी अचानक हमें इतना गुस्सा आ जाता है, कभी किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं। हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। भयंकर परी, तो तुम्हारा तो साहस कैसे हुआ यहाँ परिलोक में आने का? बाल परी, मुझे लगा था कि तुम मेरा स्वागत करोगी। स्वागत? और तुम्हारा? कभी नहीं, बल्कि तुम्हारे इस दुस्साहस की सजा मिलेगी तुम्हें। एक बुरी परी दूसरी परी को सजा देगी? तुम भूल गई हो बाल परी कि अब तुम बुरी परी हो। बुराई की रानी भयंकर परी, स्वागत है आपका परीलोक में। बताइए, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? मैं तुमसे पूछने आई हूँ बाल पर, क्या तुम मेरी साथी बनोगी? हाँ भयंकर परी, अब तो हम बुराई की ही साथी हैं। मतलब तुम भी मेरे साथ बुराई की योद्धा बनोगी? हाँ भयंकर परी, जैसा आप चाहती हो बिल्कुल वैसा ही करेंगे हम। शाबाश बाल परी, शाबाश। परियों, वो देखिए भयंकर परी। भयंकर परी यहाँ बाल परी के साथ क्या कर रही है? और भयंकर परी बाल परी के ऊपर वार करने के बजाय उससे खुशी खुशी बातें कर रही है। हाँ परियों, हमें फौरन उनके पास चलना चाहिए। हाँ परी, भयंकर परी यहाँ क्या कर रही थी? भयंकर परी? नहीं नहीं, भयंकर परी यहाँ नहीं आई थी। झूठ बाल परी, आप झूठ बोल रही हैं। हमने खुद आपको भयंकर परी के साथ यहाँ पे देखा है। अब हाँ, यहाँ अभी भयंकर परी आई थी। वो हमसे कह रही थी कि वो हमें और परीलोक को नुकसान पहुंचाएगी। अगर ऐसा था बाल परी, तो आपको सुरक्षा भोपू बचाना चाहिए था, लेकिन आप तो भयंकर परी के साथ हंसकर बात कर रही थी। हम भयंकर परी के साथ हंसकर बात नहीं कर रहे थे। अगर आप सबको हम पर विश्वास करना है तो करिए, नहीं तो हमें आप सबकी कोई परवाह नहीं है। कोई भी अच्छी और सच्ची परी कभी झूठ नहीं बोल सकती, तो फिर बाल परी हमसे झूठ क्यों बोल रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाल परी बुरी परी बन रही है? नाराज परी, ऐसा आप कैसे कह सकती हैं? आर पार परी, डरी परी, वो देखिए, सच्ची और अच्छी परियों के कभी भी कदमों के निशान नहीं बनते। लेकिन बुरी परी के कदमों के निशान बनते हैं,
और वो भी काले। चलो तो फिर मैं चलता हूं। बापूजी संभालना, बापूजी। हाँ ऑल द बेस्ट बापूजी। की बेटा बापूजी संभालना, अपने आप को संभालना बापूजी। बापूजी 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 ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से भी, जो भी मोटा भाई ने कहा वो मेरी तरफ से। हाँ बापूजी ऑल द बेस्ट, संभाल कर जाइएगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं दांत निकलवाने जा रहा हूँ, जंग लड़ने नहीं जा रहा हूँ। बापूजी आपको जंग की दवा चाहिए होगी तो है मेरे पास। नो सॉरी नो सॉरी, पूरी बात तो सुन लो। बापूजी बापूजी मेरे पास जंग की दवा है, जहाँ कहीं भी जंग होता है ना मैं अपनी दवा डालता हूँ तो जंग चला जाता है। रॉकी सही कह रहा हूँ, पता है उस दिन मानव के साइकिल में जंग लगा था, मैंने अपनी दवा डाली, जंग चला गया। महेश ये अलग जंग की बात कर रहा है, ये पता है बापूजी, आ तो इसे समझाना। बेटा रॉकी हाँ। तू जो जंग की बात कर रहा है ना हाँ। वो लोहे पे लगने वाला जंग है उसकी बात कर रहा है हाँ। और बापूजी जो जंग की बात कर रहे हैं वो लड़ाई युद्ध पता चला हाँ। सॉरी बोल। सॉरी बापूजी। वैसे महेश बापूजी जितना डॉक्टर के पास जाने से डर रहे हैं ना उतना शायद जंग में लड़ने से भी नहीं डरेंगे, है ना बापूजी? और हाँ बापूजी मानव भी साथ आ रहा है, याद है ना उसका भी दांत निकलवाना है। हाँ बेटा। यस। और के बाद मिलेगा उसे टूथ फेरी से गिफ्ट। या। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे वो अहमदाबाद वाले चंद्रेश भाई को फोन करना रह गया, वो खिलौने वाले। अभी तक खिलौने आए नहीं है, उनको पूछता हूँ क्या हुआ। हाँ चंद्रेश भाई, महेश बोल रहा हूँ मुंबई से, वो खिलौने का ऑर्डर दिया था ना अभी तक पहुंचे नहीं है। क्या नहीं 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 भाई, परसों नहीं, मुझे तो आज रात को ही चाहिए, शायद आज रात को ही जरूरत पड़ जाए। अरे मैं नहीं खेलूंगा, मेरे बच्चे के लिए। हाँ मानो मेरा बच्चा। हाँ बाजू बाजू रॉन्ग नंबर। हाँ बेटा तू चल रहा है ना मेरे साथ? और अपने स्पेशल गिफ्ट के लिए भी। हाँ वो टूथ फेरी वाला। नहीं पापा टूथ फेरी जैसा कुछ नहीं होता। मालूम है मालूम है, टूथ फेरी जैसा होता है तो हमको ऐसा लगता है कि टूथ फेरी जैसा कुछ नहीं है, लेकिन हकीकत में टूथ फेरी होती है बेटा। भाई पता नहीं किसकी विश कब कहाँ कैसे वो पूरी कर दे। ये पता है मेरे बचपन में जब मेरा दांत टूटा था, इनके दांत में दर्द हो रहा है। हाँ, हाँ। चलो बेटा चलो हम चलते हैं। आराम से देखना करना, चाहे कुछ भी हो रानी परी मैं ये नहीं मान सकता कि मेरी माँ बाल परी बुरी हो सकती है। एक बात बताइए बाल भी, कि जब बाल परी वहाँ से गई तो उनके कदमों के निशान कैसे पड़े और वो भी काले काले निशान? क्या ऐसा कैसे हो सकता है? और नाराज परी आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? रानी परी कि जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा, जरूर कुछ गड़बड़ है। रानी परी कहीं कुछ जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, कोई तो बात है जो माँ हमसे छुपा रही है और मैं वो बात जानकर ही रहूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक बार माँ से मिलना ही होगा। ठीक है बाल भी आप जाइए और बाल परी से सच जानने की कोशिश कीजिए। ठीक है रानी परी। बेटा अभी जाएंगे ना डॉक्टर के पास, सब ठीक हो जाएगा। मिशन मानव का दांत। मिस्टर दगली आपका नंबर आ गया। थैंक यू। चल बेटा चल।
अब मेरे ड्रेस को देख के हंस रहे हो ना? ये ना बैली डांस का ड्रेस है। अब हंसी हाँ? Excuse me, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। क्यों? अरे अंदर नहीं जाऊंगा तो मानव का दांत कैसे लूंगा? आइडिया, सुलाने वाले सितारे आ जाए। नॉनसेंस। अब मानव का दांत निकलेगा और मैं उसे ले लूंगा। हाँ तुम्हारा बेटा, अरे तुम्हारा दांत निकाल दे। नहीं नहीं, वो सीनियर सिटीजन। ओके अच्छा अच्छा, उठो फिर। आराम से। अरे तुम चिंता ना करो, बस बहुत आराम से निकल आएगा। यस यस यस, वो घड़ी आ गई है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। हाँ चलो, नहीं होना चाहिए। हाँ परेशान ना, हाँ बहुत आराम से हो जाएगा। हाँ हाँ बस बस होने वाला। आइए। तुम भाई मोंटू, ये क्या हाल बना रखा है? मेरा ये हाल इस मानो की वजह से हुआ है। मेरी वजह से? खैर तुम जो भी हो, ये तुम दांत क्यों चुरा रहे? मैं यहाँ मानव का दांत लेने आया हूँ। लेकिन तुम्हें मानव का दांत क्यों चाहिए? मैं इसका दांत दंत परी को दूंगा। तू फेरी। वो मोंटू, तुझे मेरे दांत तू फेरी को क्यों देना है? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मैं एक सहायक दंत परी हूँ। अच्छा मजाक है बेटा, लेकिन तू फेरी कैसी कोई चीज नहीं होती है। किसने कहा नहीं होती है? होती है होती है होती है। पर यार कब से मैं सबको समझा रहा हूँ, कोई मानता ही नहीं है। होती है होती है होती है होती है होती है। हाँ गुड बॉय है। आपको नहीं दादाजी? अच्छा, सुलाने वाले सितारे आ जाए। अरे यार ये लोग भूलेंगे नहीं। हाँ भुलाने वाले सितारे आ जाए। वाह वाह आह आह। चलो बेटा मेरा दांत तो निकल गया, अब तेरी बारी। नहीं नहीं, मैं अपने दांत अपने आप गिनने का इंतजार करूंगा। नॉटी बॉय। माँ माँ कहाँ हैं आप? माँ बालवीर, बालवीर हमें पुकार रहा है। अरे हमारे कदम रुक क्यों गए?
आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? तुम्हारे पैर रुके नहीं है बाल परी, तुम्हारे पैर मैंने रोके हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन शक्ति तारे की वजह से अब तुम मेरे नियंत्रण में हो, और अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी। बाल परी, अब तुम वैसा ही करोगी जैसा मैं कहूंगी, और मैं चाहती हूं कि तुम बालवीर पर वार करो। नहीं, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। बालवीर हमारा पुत्र है, हम उस पर वार नहीं करेंगे। माँ, माँ, माँ कहाँ हैं आप? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरी बात ध्यान से सुनो बाल परी, अब तुम मेरे नियंत्रण में हो, और तुम वैसा ही करोगी जैसा मैं कहूंगी। आगे बढ़ो, वार करो बालवीर पर, आगे बढ़ो बाल परी, वरना मैं इस जीवन शक्ति तारे से तुम पर वार करूंगी। कभी नहीं, हम बालवीर पर वार कभी नहीं करेंगे। चाहे हमें कितनी भी चोट पहुंचा दो, हम पर कितने भी वार कर लो, लेकिन हम हमारे पुत्र पे चोट नहीं पहुंचा सकते, हम उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। कभी नहीं भयंकर परी, कभी नहीं। लगता मुझे अब नहीं रहा बाल परी में आपके ताकत का डर। अरे है, समझती आपको एकदम फालतू परी। चुप! मैं क्या हूं ये मैं अब बताऊंगी बाल परी को। लगता है तारे से असत्य जल का असर कम हो रहा है। बाल परी, मैं तुम में इतनी बुराई भर दूंगी कि तुम्हें बालवीर अपना पुत्र नहीं बल्कि अपना सबसे बड़ा दुश्मन दिखाई देगा। आवाज का जवाब क्यों नहीं दे रही है माँ? माँ, पता नहीं वहां मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे। बालवीर पे वार करो बाल परी, वार करो बालवीर पे। बालवीर बुराई का सबसे बड़ा दुश्मन है। वार करो, वार करो। ऐसा ही होगा भयंकर परी, आज ऐसा ही होगा। आ गई परी भयंकर। ये माँ के बाल मुझसे क्यों लिपट रहे हैं? शाबाश कसो, अपनी चोटी बालवीर पर इस तरह कसो।
कि उसकी सांसें उसका साथ छोड़ दे। ठीक है माँ, क्या क्या कर रही है? मैं आपका पुत्र हूँ बालवीर। माँ छोड़िए मुझे। माँ छोड़िए मुझे। तो क्या समझते थे तुम कि मैं मोंटू द ग्रेटेस्ट लखा नहीं, एक छोटा काम नहीं कर सकता? ये देखो, लेकर आया मैं मानव का दांत। ओह सरप्राइजिंग, इतने जल्दी? हाँ, दांत तोड़ना और दांत लाना मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी के लिए बाएं हाथ का खेल है। दैट इज दाया। बाएं हाथ का खेल है। और हाँ, अब तुम्हारी जबरदस्ती नहीं चलेगी, तुम्हें मुझे पुराने जैसा मोंटू बनाना ही होगा। बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, पर क्या मानव को सचमुच टूथ फेरी पे विश्वास हो गया? अरे बाप रे, ये तो मैंने किया ही नहीं। क्यों नहीं होगा उसे विश्वास? क्यों नहीं होगा? अरे मैंने उसे इतनी प्यार से समझाया ना कि वो समझ गया। ओके ओके, माना कि वो मान गया, पर मानव का दांत तुम इतने जल्दी कैसे लेकर आए? So fast, how come? You fat boy? इनको? हाँ, क्योंकि दांत लाने की भी एक प्रक्रिया होती है। पहले बच्चा सोने से पहले उसका दांत तकिए के नीचे रखता है, फिर हम दंत परी रात में उस दांत को लेकर आते हैं। और तुम मानव का दांत उसके सोने से पहले अभी दिन में लेकर आए? Oh God! How? अरे हाँ, वो क्या ना, एक्चुअली मानव आज बहुत थक गया था, इसलिए वो जल्दी सो गया। और जैसे ही वो सो गया तो मुझे मौका मिला और मैं दांत लेकर आया। और हाँ, तुम दोनों बहानेबाजी करना बंद करो और जल्दी से मुझे फ्री करो, मेरी पनिशमेंट खत्म करो। चलो ठीक है, हम तुम्हारी सजा को माफ करते हैं, पर उससे पहले हमें इस दांत की जांच करनी होगी कि ये दांत मानव का है या नहीं। हाँ हाँ, कर लो कर लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये लो, चेक कर लो इसे। ये लो दंगू, जांच करो। ओके दंतपरी, दांत प्लीज। ए टिंकू, वो क्या है? सहायक दंतपरी मोंटू, सॉरी टू से, माय नेम इज दंतकू, नॉट टिंकू। ओके रिक्वायर्ड। ओके, ये दांत पहचान यंत्र है, हम इस दांत को इस पे रखेंगे और ये दांत जिसका भी होगा उसकी तस्वीर और उसका नाम इस पे आ जाएगा और हमारी दांत लेने वाली सूची में से उसका नाम कट जाएगा। ओके। ये तो गलत सूचना भोपू है। मोंटू, तुमने हमें गलत सूचना दी कि ये मानव का दांत है। नहीं 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 नहीं, मैंने ये सही दांत लाया, ये दांत मानव का ही है। अरे दंत परी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं ये दांत मानव का ही लाया था। नहीं नहीं नहीं, ये दांत मानव के ग्रैंडफादर मतलब उनके दादाजी अमृतलाल डगली का है। से लेकिन एक झूठ तो हमने सुन लिया है तुमसे, लेकिन अगर तुम दोबारा हमारे पास और किसी का दांत लेकर आए और बिना मानव को विश्वास दिला के दांत लेकर आए तो तुम्हें 2 साल के लिए सहायक दंत परी बनकर रहना होगा। समझ गए? अंडरस्टैंड। दंत परी,
चली गई। अरे ये मानव का दांत उसके दादाजी के दांत में कैसे बदल गया? माँ, माँ ये क्या कर रही है आप? माँ होश में आइए, छोड़िए मुझे। माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा दम घुट गया। यही तो मैं चाहती हूँ कि मेरे दुश्मनों को कष्ट पहुंचे ताकि वो मेरे बुराई के सामने सर उठाने की हिम्मत ना करे। माँ आप क्या कह रही है? देखिए मुझे, मैं आपका दुश्मन नहीं, आपका पुत्र हूँ। नहीं, तुम मेरे दुश्मन हो। बिल्कुल सही कहा पाल परी, बुराई के दुश्मनों को हम कभी माफ नहीं करते, बल्कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देते हैं। और अब बुराई के सबसे बड़े दुश्मन बाल वीर को समाप्त करने का समय आ गया है। अपना अगला वार करो बाल परी, अपने जादुई दंड से बालवीर के नीचे एक आग की खाई बनाओ। मां छोड़िए मुझे, ऐसा मत कीजिए मां। नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए, ऐसी कोई गलती मत कीजिए जिससे आपको अंत में पछताना पड़े। बाल्की, पछताएंगे तो वो जो अच्छाई और सच्चाई का साथ देते हैं। मैं तो बुराई की साथी हूँ। नहीं माँ, बुराई की साथी नहीं है, आप अभी भी एक अच्छी और सच्ची परी है। नहीं, मैं बुरी परी हूँ। होश में आइए माँ, होश में आइए, होश में आइए, होश में आइए, होश में आइए और सच्चाई को देखिए, सच्चाई को देखिए, देखिए कि आप जिसे चोट पहुँचा रही है, आपका पुत्र है, आपका पुत्र बालवीर है, बालवीर है, बालवीर है। ऐसा मत कीजिए माँ, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए, होश में आइए, होश में आइए। बुराई और अच्छाई के झूठ में रिश्ते मायने नहीं रखते बाल परी, रखते बाल परी, मायने रखती है तो जीत, जीत, और बुराई की जीत के लिए तुम्हें आज, तुम्हें आज वो हराना होगा, हराना होगा, हराना होगा। आग की खाई में गिराना होगा बाल परी। हाँ ऐसा ही होगा, आज बुराई की जीत होगी और अच्छाई हार जाएगी। माँ, माँ किसी और की बात मत सुनिए, सिर्फ मेरी बात सुनिए, इस तरफ देखिए, मैं आपका पुत्र बोल रहा हूँ। मेरी मेरी बात को समझिए और सोचिए कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। माँ वार को बेकार करने वालों को भी मैं कड़ी सजा दूंगी। माँ, ए, गया बच बाल वीर, हो गया आपका वार फिर से बेकार।
गहरा सदमा हार का इनके दिमाग में और हो गई है पागल। पागल तो बालवीर और वो परियां होंगी जब उन्हें सच पता चलेगा। मेरा वार खाली नहीं गया है, तौबा तौबा, इस बार मेरा वार खाली नहीं गया है। कैसे कैसे नहीं गया है खाली? क्योंकि बालवीर पे वार करने के बाद परियों को यकीन हो जाएगा कि बाल परी अच्छी नहीं, बुरी परी है, और बुरी परी बाल परी को या तो परिलोक से दूर करना होगा या फिर समाप्त करना होगा। और दोनों ही सूरतों में बाल वीर को दुख होगा। और यही तो मैं चाहती हूँ। मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, हमें भी चाहिए चाहिए चाहिए। पागल कह रहे? और क्या तुम्हें मानव का दांत चाहिए? नहीं नहीं, बस हमें तो पिज्जा बर्गर चाहिए। बेवकूफ, मुझे किसी भी हाल में पिज्जा चाहिए, मतलब मानव का दांत चाहिए। लेकिन बॉस, आपका दांत खराब है क्या? नहीं, मुझे मानव का दांत दंत परी को देना। दंत परी? हाँ, दंत परी। मारा क्यों? अरे बस वो तो मैं चेक कर रहा था कि आप खड़े खड़े सो तो नहीं रहे हो ना। समझ गया, तुझे भी समझो। नहीं नहीं, मैं समझ गया। लेकिन बॉस ये नहीं समझा कि ये दंत परी का क्या चक्कर है। ये अगर मेरा सच जान जाएंगे तो मुझ पर बहुत हंसेंगे। दंत परी का कुछ चक्कर नहीं है, वो तो मैं तुम्हें ऐसे ही कह रहा था। बट हाँ, मुझे मानव का दांत किसी भी हाल में चाहिए। अरे बस उसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे मानव का दांत तोड़ के दे देंगे ना आपको। वैसे भी हमने आपके लिए इतना कुछ किया है कि छोटा सा एहसान भी कर देंगे। मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान मत करना। ओके ओके, अब एक बात कान खोल कर सुन लो, ये फालतूगिरी बंद करो, मैं कान के नीचे दूंगा। सॉरी। ठीक से सुनो, आज से मानव का दांत तोड़ो मिशन शुरू। यस सर। बोला ना फालतूगिरी बंद करो, नाउ फॉलो मी। माँ, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ बालवीर, हम ठीक है। पर आप सब रणपरी, आप सब यहाँ अचानक, बालवीर आप हमसे ऐसे क्यों पूछ रहे? हमें कुछ हुआ है क्या? हाँ बालपरी, आपसे एक अनहोनी हुई है। अनहोनी? अटका दी परी, इस समय हम इस बारे में बात ना करें तो अच्छा है, क्योंकि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। नहीं बालवीर, बाल परी को ये जानना होगा कि हम सारी परियां उनसे नाराज हैं। आप सब हमसे नाराज हैं? लेकिन क्यों? क्योंकि आपने बालवीर पर वार किया था। बालवीर पर वार किया क्या? हाँ बाल परी, कोई मामूली वार नहीं किया है आपने, बल्कि आत्मघाती वार किया है। आत्मघाती वार किया है क्या? अगर रानी परी और हम सब परियां समय पर नहीं पहुंचती तो शायद हमने बालवीर को खो दिया होता। बालवीर को खो दिया होता। आखिर क्या वजह थी बाल परी?
आपने बालवीर पे वार किया, उस बालवीर पे जिसे आप अपने आप से भी ज्यादा प्यार करती हैं, परियों, हमारा आप सबसे निवेदन है कि इस तरह की बातें करके बाल परी को परेशान ना किया जाए। आप सब जानते हैं ना कि बाल परी इस समय ठीक नहीं है। हाँ परियों, मुझे भी माँ से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमें तो शिकायत है अपने आप से। रानी परी, ये कैसे हो सकता है कि हम खुद अपने बालवीर पर वार करें? बताइए रानी परी, हमें बताइए कि क्यों हमारी ही शक्तियां हमारे खिलाफ हो गई। हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। रानी परी, ये कैसे हो सकता है? काले आंसू तो सिर्फ बुरी परियों की आंखों से आते हैं, या फिर उनकी आंखों से जो बुराई का साथ देती है। इसका मतलब बाल परी का गुस्सा करना, ईर्ष्या, झूठ बोलना, ये सब इसलिए था कि बाल परी एक बुरी परी बन गई है? नहीं गाल परी, मेरी माँ बुरी परी नहीं हो सकती, वो हमेशा अच्छी और सच्ची रहेगी, वो बुरी कभी नहीं बनेगी। बालवीर, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं और हमारा भी यही मानना है, बाल परी बुरी परी नहीं बन सकती, पर सही फैसला लेने के लिए हमें बाल परी की सत्य जल की परीक्षा लेनी होगी। सत्य जल? हाँ बालवीर, अगर सत्य जल की परीक्षा ने भी यही कहा कि बाल परी एक बुरी परी बन चुकी है, तो फिर बाल परी को हमेशा हमेशा के लिए परी लोग को छोड़कर जाना होगा। क्या बॉस? लो केले खाओ। लोग चिंपांजी को केले देते, ये तो देखा है, लेकिन एक चिंपांजी लोगों को खाने के लिए केले दे रहा है, ये तो पहली बार देख रहा हूँ। लेकिन बॉस, आज हमारे बिना कुछ मांगे आप हमें खाने के लिए दे रहे हो, वाह। हाँ, दिमाग तो सही है ना आपका, मतलब अच्छा मूड है आपका। हाँ, भूल गए, आज मिशन मानव के दांत तोड़ो है और ये उसका फॉर्मूला नंबर 99 है। हाँ, जैसे ही मानव यहाँ से आएगा हम केले के छिलके वहाँ डालेंगे, वो उनके ऊपर से फिसल जाएगा और गिर जाएगा, और जैसे ही वो गिरेगा उसका दांत टूटेगा। अरे हाँ, बस ये तो वो कहावत हो गई, आम के आम और गुडलियों के दाम। अच्छे ये कहावत बदलो और ये बोलो, केले का वसूला दाम और उसके छिलके भी आए काम। आई वी यू ही शी। बस वो देखो कितनी मौन हो रहा है। हाँ, उसका ध्यान तो किताब में, अब तो ये पक्का गिरेगा। तुम लोग केले खाने के लिए रेडी हो? हाँ। तो फॉलो मी। अरे यार, मोंटू, ये क्या किया तुमने? केले का छिलका यहाँ क्यों फेंका? सर, वो तो कुछ नहीं, ये देखो। मुझे पता था
मुझे पता था एक ना एक दिन तुम तीनों मिलकर चार केले के छिलके जरूर फेंकोगे। मोंटू, क्या तुम्हें पता नहीं है स्कूल प्रीमाइस को गंदा नहीं करना चाहिए? सॉरी सर। व्हाट सॉरी? कचरा उठाओ और डस्टबिन में डालो। हाँ। ए, तुम क्या खड़े हो? तुम भी चलो उठाओ। हाँ, जाओ। नॉनसेंस। तुम क्या कर रहे हो? चलो उठा रहो। हाँ हाँ। अरे यहाँ कहाँ जा रहा हूँ, मुझे लाइब्रेरी जाना था। परियों, बालवीर, जैसे कि हमने पिछले कुछ समय में देखा कि किस तरह से बाल परी के अंदर एक बुरी परी के गुण नजर आ रहे हैं, जो ना बाल परी के लिए ठीक है और ना ही हमारे इस परी लोक के लिए। परियों, ऐसा करते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है, पर सत्य की परख करने के लिए हमें बाल परी की सत्य जल की परीक्षा लेनी ही होगी। डूबा डुबाए सत्य जल लाया जाए। खुश रहो सत्य जल, खुश रहो। खुश रहो सत्य जल, खुश रहो। बालपरी, अब आप सत्य जल की परीक्षा के लिए आगे आइए। हे सच्चाई और अच्छाई की दिव्य शक्ति, हम सत्य जल की परीक्षा के लिए आपका आह्वान करते हैं। आइए और सत्य की परख कीजिए। परी, अब आप सत्य जल में अपना हाथ डालिए। धुआं, सत्य जल का काला होना इस बात का प्रमाण है, कि बाल परी अब एक बुरी परी बन चुकी, परियों, ना चाहते हुए भी हमें कड़ा फैसला लेना पड़ रहा है। बाल परी को परीलोक छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना ही होगा, हमेशा हमेशा के लिए जाना ही। परी, हमें आपका आदेश स्वीकार है रानी परी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम जल्द से जल्द परिलोक को हमेशा के लिए छोड़कर जाएंगे, रोहित केवल, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जैसे ही मानव यहाँ आएगा, तुम दोनों स्टैंड बैग लेके वहाँ जाना और मानव के ऊपर छोड़ देना, और स्टैंड बैग मानव को लगेगा और मानव का दांत टूटेगा। हाँ। 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 देखो मानव आ रहा है।
ये तो गड़बड़ हो गई। इस बार मानव सचिन सलोनी तीनों साथ में आ रहे हैं। डोंट वरी, मानव यहाँ अकेला ही आएगा। मानव तू तो बार बार अपने दांतों क्यों छेड़ रहा है? अरे मेरा दांत कब से हिल रहा है लेकिन टूट ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, मैं तोड़ूंगा तुम्हारा दांत। भूल गए, तेरा दांत मेरे हाथ से ही टूटेगा। वाह, शिकार खुद चलकर जाल में फंसने जा रहा है। वाह, प्लीज छोड़ दे मुझे, प्लीज। बच सकता है तो बच माना। अरे अपना आदेश वापस ले लीजिए रानी परी, क्योंकि हमारी बाल परी कभी बुरी परी हो ही नहीं सकती। हाँ रानी परी, हम कैसे बाल परी को जाने दे सकते हैं? आखिर वो हमारी साथी परी है और मुश्किल में तो साथियों का साथ दिया जाता है ना रानी परी, ना कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। और अगर आज बालवीर का अस्तित्व है और मैं यहां, तो वो सिर्फ अपनी माँ की वजह से, इसलिए मैं अपनी माँ को कहीं नहीं जाने दूंगा। बालवीर, परियों, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं और ये फैसला लेकर हम भी खुश नहीं हैं। पर बालवीर, कभी कभी अपनी भावनाओं को अलग रखकर कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं रानी परी, लेकिन मुझे लगता है कि बाल परी को खुद से दूर करने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर बाल परी बुरी परी बन कैसे गई। हाँ रानी परी, मुझे तो लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी साजिश है। हाँ बालवीर, और किसी ने जानबूझकर बाल परी के साथ ये बुराई का खेल खेला है। पर कोई ऐसा करे, ऐसा तो असंभव है परियों, क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है जब किसी ने बाल परी के जीवन शक्ति तारा को तिलस्मी पर्वत से चुरा लिया हो। लेकिन परियों, तिलस्मी पर्वत से उसे चुराना असंभव है। पर रानी परी, यह असंभव कार्य संभव कैसे हुआ और किससे किया ये? ये तो हमें तिलस्मी पर्वत जाकर ही पता चलेगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, और इसीलिए अब हम तिलस्मी पर्वत जाएंगे। दादा खुश मत हो, ये गिफ्ट ना मानव के लिए। हाँ। मानव के लिए? क्यों? अरे उसका दांत तोड़ना है ना, इसलिए हम उसको गिफ्ट देंगे। क्या हुआ, धूप लग रही है तो मौसम का हालचाल दिख रहा है। अरे दुखी हो रहा हूँ। मोंटू बॉस, आज तक मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज तक आपने हमें कोई गिफ्ट दिया नहीं। नहीं दिया, और उस मानव का एक दांत तोड़ने के लिए इतना बड़ा गिफ्ट दे रहे। नहीं, नहीं, नॉट फेयर। गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। बस कर पगले, और मत रो। ये ले, तुझे गिफ्ट ही चाहिए था ना, ले ले।
तू ये मानव का गिफ्ट ले ले। सच में? हाँ, ले ले तू। ले ले। थैंक यू। यू वेलकम। यू वेलकम। यू वेलकम। कैसे लगा गिफ्ट? जोर का लगा। ऐसे ही जब ये मुक्का मानव को लगेगा तब उसका दांत टूट जाएगा। अरे वो मानव हमसे गिफ्ट क्यों लेगा? अरे हाँ, मानव हमसे तो गिफ्ट नहीं लेगा पर किसी और से तो लेगा ना। किससे? हर्ष अग्रवाल। हर्ष? हर्ष? हर्ष जी भैया। हर्ष जी भैया। हाँ भैया। जी भैया ही करते रहेगा कि काम भी करेगा? चल काम कर। समझा? ये लो और जाओ। जी भैया। और कुछ भैया? नहीं। हाँ भैया। जी भैया। बस आपको लगता है ये काम करेगा? हाँ भैया। अरे मानव। हाँ भैया। मानव ये ले तेरे लिए गिफ्ट। थैंक यू फॉर द गिफ्ट। लेकिन ये गिफ्ट क्यों? ये मैंने नहीं, सचिन ने दिया है। ये आता मार्जी पर फटक ली। ये सचिन बिना Hello, hello. How are you? I'm fine, sir. क्या आई है? सर ये गिफ्ट है। किसने दिया है? सर ये मुझे हर्ष भैया ने दिया। अच्छा, very good, very good, very good. ऐसे नहीं बेटा, ये पकड़ो। देखो, किसी ने अगर तुम्हें गिफ्ट दिया है तो उस गिफ्ट के साथ उसकी भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। हमें उसकी भावनाओं की कदर जरूर। ये क्या मजाक है मानव? सर ये मजाक मैंने नहीं किया, ये तो मुझे ये हर भैया ने दिया। और शंकरवाल मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। सॉरी भैया। भैया? सॉरी सर, पर ये गिफ्ट मैंने नहीं, मोंटू ने दिया था। मोंटू? मोंटू! क्या है ये? सॉरी सर। दंपरी, दंपरी। क्या हुआ मंटू? तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें यहाँ ये बताने के लिए बुलाया कि अभी से मुझसे मानव का दांत लाने का काम नहीं होगा और मैं नहीं करूँगा। No, no, Montu, you can't do this. You can't do this. You can't do this. You, तुम अपनी सजा ऐसे बीच में से नहीं छोड़ सकते। Shut up, Tinku. Not Tinku, baby. Dantku. बोलो Dantku. Shut up. Okay. मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये काम मैं छोड़ रहा हूँ। अच्छा? देखो दंतपरी, तुम चाहे मुझे जितने भी करंट दो बट हाँ, मैंने ठान ली है कि ये मैं नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन हम लोग दंत लोग के नियमों को नहीं बदल सकते, इसलिए तुम्हें अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी। राइट। और तुम्हारी सजा ये है कि जब तक तुम मानव का दांत हासिल नहीं कर लेते तब तक तुम सहायक दंतपरी के रूप में ही रहोगे। क्या? राइट। दंतपरी, पर दंतपरी, दंतपरी, ये तुमने ठीक नहीं किया। दंतपरी, अरे यार, इस हालत में किसी ने मुझे देख लिया ना, मेरी इज्जत का तो फालूदा हो जाएगा। क्या करूं?
रानी पर, लेकिन इन्हें पत्थर की मूर्ति किसने बनाया? जरूर यहाँ तिलस्मी पर्वत पर कुछ हुआ है रानी परी। हाँ, अब सत्य तो सिर्फ महामाई बता सकती है। हाँ विस्तार परी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। रानी परी आप खुश रहो, रानी परी खुश रहो, खुश रहो महामाई, खुश रहो। महामाई आपको पत्थर की मूर्ति किसने बनाया था? भयंकर परी ने। भयंकर परी? हाँ भयंकर परी ने। उसी ने तुम्हारी माँ बाल परी का जीवन शक्ति तारे को भी तिलस्मी पर्वत से चुरा लिया। क्या? देखा रानी परी, माँ बुरी परी नहीं है। हाँ पार्वती, लेकिन जीवन शक्ति तारे की वजह से बाल परी भयंकर परी के नियंत्रण में है। भयंकर परी को मैं उसकी गलती के लिए कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। हाँ पार्वती, लेकिन सबसे पहले हमें बाल परी के बारे में सोचना चाहिए। लगता है एक बहुत कड़ा फैसला लेने का वक्त आ गया है। हाँ, मैं कपड़े फाड़ देता हूँ। क्या करूँ, कपड़ों को तो मैं फाड़ नहीं सकता। आप तो पूरी ऐसे दिख रहे हो। हाँ बॉस, क्या दिख रहे हो आप? हाँ बॉस, और क्यूट दिख रहे हो। चुप। सॉरी। मोंटू मोंटू मोंटू, देख 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 क्यूट। परियों, जिस बात का हमें डर था ठीक वैसा ही हुआ है। भयंकर परी ने बाल परी का जीवन शक्ति तारा चुरा लिया है और उसे अपने नियंत्रण में करके बाल परी को एक बुरी परी बना दिया है। हमें दुख तो इस बात का है कि हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है सिवाय इसके कि हम बाल परी को परीलोक छोड़कर जाने के लिए कहें। लोग छोड़कर जाने के लिए कहें। रानी परी, अगर ये सच है तो बाल परी का परीलोक से जाना और भी खतरनाक हो सकता है। बाल परी को ये जानना होगा कि हम सारी परियां उनसे नाराज हैं। क्योंकि आपने बालवीर पर बात किया था। बालवीर पर बात किया था। कोई मामूली वार नहीं किया है आपने, बल्कि आत्मघाती वार किया है। आत्मघाती वार किया है। लगता है जैसे धीरे धीरे पूरी परियों के अवगुण हमें बढ़ते ही जा रहे हैं। इससे पहले कि और कुछ हो जाए, हमें कुछ करना चाहिए ताकि ताकि बालवीर को या किसी और परी को कोई नुकसान ना पहुंचे। अब समय आ ही गया है, हम अपने आप के लिए एक ऐसा कठोर फैसला लें जो शायद कोई और हमारे लिए नहीं ले पाएगा। शायद वो समय आ ही गया है। दंतपरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सो सॉरी। देखो मैं कान भी पकड़ता हूँ, आपको तो मैं उठक बैठक भी करता हूँ। सॉरी, वो ना मेरी थोड़ी सी ड्रेस छोटी है ना, बट हाँ आई एम सॉरी। आप जैसे कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, बट प्लीज आप मुझे पुराना वाला मॉन्टू बना दो। ये क्या बात हुई, तुम बार बार गलतियाँ करते रहो और हम तुम्हारी सजा को माफ करते रहे। ये सजा तुम्हें तुम्हारा कार्य ठीक ना करने की वजह से मिली है, अंडरस्टैंड? हाँ, जैसे अगर हम लोग अपने दांतों की देखभाल नहीं करते, उनको साफ नहीं करते, तो हम ऐसे बच्चों के दांत कमजोर कर देते हैं, उनके दांतों की सफेदी चली जाती है
और उनके दांतों में दर्द होता है। दंत परी, पर मैं दिन में दो बार ब्रश करता हूँ। काश तुम अपना दिमाग भी दिन में दो बार साफ करते। किनको? ए! दंत गुप्त। ओके? सॉरी, दंत गुप्त। मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे मोंटू बना दो प्लीज। ठीक है। थैंक यू दंत परी। हाँ रानी परी, हमें बाल परी को परीलोक से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि क्योंकि हो सकता है कि भयंकर परी का यही मकसद हो। रानी परी, आप सब मुझे गलत मत समझिएगा, क्योंकि मैं जो भी कहने जा रही हूं वो सिर्फ और सिर्फ परीलोक की भलाई के लिए ही है। आप पहेलियां मत बुझाइए नाराज परी, जो भी कहना चाहती हैं साफ साफ कहिए। बाल परी को भयंकर परी की साथी बनने से तभी रोका जा सकता है अगर 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 बाल परी का अंत कर दिया जाए तो। नाराज परी, नाराज परी, नाराज परी, ये क्या कह रही आप? हाँ नाराज परी, आप इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हैं? और आपको ये अधिकार दिया किसने? रानी परी, हम सबको बहुत दुख है कि आज हम ये सब बातें आपके सामने कर रहे हैं, लेकिन परी लोग को बुराई से बचाने के लिए शायद बाल परी का अंत करना जरूरी है। नहीं परियो, आप सब चाहे जो भी मान, चाहे जो भी कहें, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तीनों लोगों की शक्ति चाहे एक साथ मिल जाए, लेकिन मुझसे मेरी माँ कभी नहीं छीन सकते, कभी नहीं। हाँ बाली, और अगर इसके लिए तीनों लोगों की बुराई से युद्ध भी करना पड़े तो उस युद्ध में मैं बालवीर के साथ। रानी परी, हम में से कोई भी बाल परी का अहित नहीं चाहता, लेकिन परी लोग के हित में क्या है इसका आखिरी फैसला आपको ही लेना होगा। मानो का दांत नहीं टूटा है। बेवकूफ, कैसे नहीं टूटा? अभी तो चिल्लाते चिल्लाते क्या कि मेरा दांत टूट गया, टूट गया। अरे बॉस, इसके कहने का मतलब है मानो का दांत नहीं टूटा है, बल्कि आपका मानो का दांत तोड़ने वाला सपना टूट गया। शायद कुछ भी हो जाए, मुझे मानो का दांत चाहिए। ए मानो, रुक! मुझे मानव का दांत कैसे मिलेगा? रानी परी, हम आपकी मुश्किल अभी आसान कर देते हैं। बाल परी, आप इन सब परियों को गलत मत समझिएगा। बाल परी, आप हमारी अपनी हैं और हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। जो होना था वो हो चुका है रानी परी, अब इससे ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता। नहीं बाल परी, आप इतनी जल्दी हिम्मत मत हारिए, हम सब आपके साथ हैं बाल परी। हम जानते हैं नटखट परी, लेकिन आप सब ये कैसे भूल सकती हैं कि एक बार गलती से जब वो असत्य जल भयंकर परी के जीवन शक्ति तारे पर गिर गया था, तब से लेकर आज तक भयंकर परी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है।
तो उसने जानबूझकर वो असर के जल हमारे जीवन शक्ति तारे पर डाल दिया है। हम बुराई से कैसे बच पाएंगे? बाल परी, आप बच पाएंगी मां, आप बच पाएंगी। आपका पुत्र बालवीर आपको बचाएगा। नहीं बालवीर, इससे परिलोक को नुकसान पहुंचेगा। और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। रानी परी, अभी भी हमें अच्छाई के कुछ अंश बाकी है। इससे पहले कि हम पूरी तरह से बुराई में डूब जाए, अच्छा होगा कि आप हमारा अंत कर दें। बालपरी, बालपरी? नहीं बालपरी। हाँ रानी परी, हाँ हम बालपरी खुद आपसे अपनी अमर संस्कार की दीक्षा मांगते हैं। अमर संस्कार दीक्षा मतलब बाल परी की मृत्यु। आखिर मेरी बुराई का तीर निशाने पर लग ही गया। नहीं मतलब हुई नहीं अभी बाल परी समाप्त, तो मत फोड़िए खुशी के पटाखे वरना होगा आपका ही मुंह काला उन पटाखों के धमाके से। नहीं, इस बार बाजी नहीं पलटेगी। अगर बाल परी का अंत नहीं हुआ तो हो जाएगा। इस बार रानी परी भी बाल परी को नहीं बचा पाएगी। है भूल रही आप बालवीर को? नहीं, इस बार बालवीर को जीत नहीं सिर्फ दुख मिलेगा, अपनी माँ को खोने का दुख। अब उसे पता चलेगा कि हर बार मुझे हरा कर उसने जो दुख दिया है उस दुख का कष्ट क्या होता है। अलविदा बालकनी, अलविदा। मानव, तेरा दांत तो मधुमक्खी के छत्ते के अंदर फंस गया। हाँ, वैसे भी मुझे उस दांत को क्या करना था, जाने दे, गया तो गया। अरे जाने दे मतलब? मानव भूल गया तू, तुझे तेरा दांत सोने से पहले तकिए के नीचे रखना है ताकि टूथ फेरी आए और तुझे गिफ्ट दे। क्या बोले? नहीं रे भालू। सॉरी मोंटू, ये सब तो पहले की बात थी, अब मैं टूथ फेरी को नहीं मानता। अरे सलोन समझा इस पगले को, और नहीं तो मुझे रूला डालेगा। मैं क्या समझाऊं, जब कुछ समझना ही नहीं चाहता तो समझा के क्या फायदा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मोंटू तुझे मानव के दांत की इतनी क्या पड़ी है? क्योंकि मुझे इसका दांत टूथ फेरी को देना। क्या बॉस, आपको हिलने के लिए कहा था लेकिन आपने तो हमें ही हिला दिया। आपको किसने समझाया कि दूध फेरी होती है? हाँ हाँ, बोल रहा हूँ ना, दूध फेरी होती है। कब से चिल्ला रहा हूँ दूध फेरी होती है, और मैं खुद एक दूध फेरी हूँ। क्या? हाँ। बस कर पगले, हंसा के मारेगा क्या? अच्छा तो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना? नहीं। ठीक है, अभी देख। मोंटू, तू तो सचमुच एक टूथ फेरी है, मतलब टूथ फेरी होती है। अरे क्या बस, वरना तो क्या रूपन
सलमान बन गए लेकिन टूथ फेरी। अरे मैं ये अपनी मर्जी से नहीं बनाऊं। और हाँ एक और बात है, जब तक मैं मानव का दाद उस टूथ फेरी को नहीं देता तब तक मैं ऐसे ही रहूंगा सहायक दंत परी बन के। अगर ऐसा ही मानो ना तो तू अपना दांत लाना ही मत, मोंटू ऐसे ही अच्छा लगता है। नहीं 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 मानो प्लीज तू अपना दांत लेकर आना। और मानो अभी तो तू मानता भी है ना कि टूथ फेरी होती है। हाँ मैं मान गया कि टूथ फेरी होती है, लेकिन अब मैं अपने दांत के लिए वो मधुमक्खी के छत्ते में अपना हाथ तो नहीं डालूंगा ना। कोई बात नहीं मानो, तू मधुमक्खी के छत्ते में हाथ नहीं डाल सकता तो क्या हो गया, मोंटू उसे डाल सकते है ना। मैं बॉस इसका मतलब है मानव का दांत मानव नहीं लाएगा बल्कि मोंटू बॉस सॉरी सहायक दंत परी लाएगी। लाएंगे बॉस लाएंगे। लेकिन मैं कैसे? हाँ मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल के। हाँ बॉस इससे छुटकारा पाने के लिए आपको ये कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। नहीं रानी परी मेरी माँ भूरी परी नहीं हो सकती, देखिए वो अभी भी परीलोक की चिंता कर रही है। हम समझते हैं बालवीर। अगर आप समझती है रानी परी तो समझाइए ना माँ को कि वो इतना बड़ा फैसला ना ले। हम जानते हैं बालवीर और इसीलिए आज हम अपने दिल और दिमाग दोनों में फंसे हुए हैं। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि हम अपने दिल की सुने या दिमाग की। सही फैसले तो हमेशा दिल से नहीं दिमाग से ही लिए जाते हैं ना। इसलिए रानी परी हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें अमर संस्कार की दीक्षा दे दीजिए। नहीं माँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। माँ नहीं होगा ऐसा। बालवीर बालवीर ऐसा करने से परीलोक को नुकसान पहुंचेगा क्योंकि अब आपकी माँ कोई अच्छी परी नहीं है, बुरी परी बन गई है। ऐसी बुरी परी जिसने खुद अपने पुत्र पर वार किया था। आपके हाथों मेरे प्राण भी चले जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। पर हमें तो परवाह है ना बालवीर, अपने पुत्र को चोट पहुंचाने का पाप हम अपने सिर नहीं लेना चाहते। नहीं बाल परी ऐसा कुछ नहीं होगा बाल परी। और अब आप चिंता मत कीजिए हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ निकालेंगे। मामा मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा आपको बचाने के लिए। पर बालवीर ये इतना आसान नहीं होगा। रानी परी मैं अपनी माँ की सुरक्षा के लिए हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार हूँ, बस अब मुझे बताइए कि माँ से बुराई को दूर रखने का क्या उपाय है, कौन सा रास्ता है। ऐसा संभव करने के लिए आपको बाल परी के जीवन शक्ति तारे में से उस असत्य जल को बाहर निकालना होगा। लेकिन बालवीर उसके लिए आपको वो तारा चाहिए जो भयंकर परी ने चुरा लिया। ठीक है रानी परी अगर ऐसा है तो मैं भयंकर परी से माँ के जीवन शक्ति तारे को वापस लेकर आऊंगा। बालवीर अगर आपके वापस आने से पहले बाल परी बुरी परी बन गई तो क्या होगा। हाँ रानी परी सारी परियों का डर सही है, एक बार जब हम पूरी तरह से बुरी परी बन जाएंगे तब हम सही गलत का अंतर नहीं कर पाएंगे। इसलिए सही यही होगा कि आप तुरंत ही हमें अमर संस्कार की दीक्षा प्रदान करें। नहीं रानी परी आप मुझसे मेरी मां नहीं छीन सकती। मैं बालवीर आपसे वादा करता हूँ कि अगर जीवन शक्ति तारा ही मेरे माँ के प्राण बचा सकता है तो मैं किसी भी तरह उसे भयंकर परी से वापस लेकर आऊंगा। परियों हमें अपना फैसला लेने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मुझे डर चुप मैं कहा अरे तू चुप था मैं यहाँ। अरे बालवीर कर तो मुझे माफ कर तो मुझे क्षमा। बेवकूफ मैं हूँ। और रही बात बालवीर
तो मैं बालवीर से नहीं डरती, क्योंकि इस बार काल का रूप बालवीर ने नहीं मैंने लिया है। मैं काल बनूंगी बालवीर और बाल परी की हर खुशी। अरे बड़ी बड़ी बातें नहीं, बड़े बड़े कदम उठाने का है ये समय, ताकि भाग सके हम कहीं दूर। नहीं, हम भागेंगे नहीं, लेकिन हाँ ऐसी जगह जरूर जाएंगे बाल परी के जीवन शक्ति तारा को लेकर, जहाँ बालवीर कभी नहीं पहुंच पाएगा। और है ऐसी कौन सी जगह बताइए मुझे? वो जगह है बुरी शक्तियों का केंद्र, महाखतरनाक। वही विनाश लोग होता है जहाँ अच्छाई और सच्चाई का सिर्फ विनाश। हाँ, अब बालवीर वहां आने की हिम्मत कभी नहीं करेगा, और ना ही वो परियां उसे वहां पर आने देंगी। तुम जैसा चाहती हो वैसा कभी नहीं होगा भयंकर परी, क्योंकि मैं जाकर बताऊंगी बालवीर और परियों को कि तुम विनाश लोक जा रही हो।